हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मौत में होंगे। और फिलहाल जो अभी सुबह के करीब बज चुके हैं 8:30। अभी नॉर्मल ऐसे उठ गया हूँ। नॉर्मल उठने का मतलब जो है कि ऐसे मतलब फ्रेश वगैरह होकर नॉर्मल उठ गया हूँ। और मैंने सोचा था कहीं बाहर जाने के लिए, तो फिलहाल जो है आज ट्रांसपोर्ट वगैरह बंद है क्योंकि आज इलेक्शन है सेम काकादेव में ही, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों आज काकादेव की कोचिंग मंडी दिखा दी जाए। और ये ड्रेस वगैरह जो मैंने कल धुली थी, वो ड्रेस वगैरह यहीं पे धुल के मैंने टांग दिया था सूखने के लिए, तो यहीं पे पड़ा हुआ है। अभी सूख जाएगा तो अभी शाम को प्रेस कर देंगे इसको। और फिलहाल चलते हैं काकादेव, मतलब काकादेव मतलब कोचिंग मंडी। और सुबह चलेंगे ऐसे दोस्त के रूम पर, उसके उसका लैपटॉप लेके आना है क्योंकि मेरा लैपटॉप तो चोरी हो गया था, तो उसका लैपटॉप लेके आते हैं। कुछ काम है, मैं सोच रहा था अपने दूसरे चैनल पे जितनी भी नई मूवी आती है मैं तो डाउनलोड कर ही लेता हूँ, उसको लाइव कर दिया करूँ। यहाँ पे पीछे जितनी भीड़ दिख रही है, मतलब आगे यहाँ पे स्कूल है, वहाँ पे वोटिंग चल रही है। और यहाँ पे जो है वो कौन कौन वोट डाल सकता है यहाँ काका देव के एरिया के, उन लोग की मतलब लिस्ट देखी जा रही है कौन कौन वोटिंग कर सकते हैं, मतलब किसका किसका लिस्ट में नाम है जो वोटिंग कर सकता है, वो वहाँ पे देखा जा रहा है यहाँ उनका नाम है लिस्ट में। और फिर जाके वो आगे जो है वोटिंग करेंगे। दिखाता हूँ, यहाँ पे स्कूल है ना एक छोटा सा, बोले छोटा सा नहीं बड़ा सा होगा, वहाँ पर हो रही वोटिंग। यह है अपना सपना प्री मेडिकल इंस्टीट्यूट, मतलब मेरे साइड से सबसे पहले वाला ये है। और फिर शायद अपना पड़ता है ये करियर इंस्टीट्यूट, करियर इन्फिनिटी क्लासेस डायरेक्ट यहीं पर रुको, हाँ यहीं पर। और ये करियर इन्फिनिटी क्लासेस ये है, ये वाली बिल्डिंग करियर इन्फिनिटी क्लासेस की, सिग्मा सिग्मा का ये है हॉट एंड शॉर्ट इंस्टीट्यूट, ये है सिग्मा का। और ये अपना A1 बॉयज हॉस्टल, अपना नहीं मतलब कि यहाँ पे है, मतलब इधर सिग्मा वो है और इधर ये है ओमेगा इंस्टीट्यूट कानपुर का। इसके एक साल पहले ये नंबर एक पे था ये, पर अभी नंबर 3 पे आ गया है, वरना इसके एक साल पहले नंबर 1 पे था। मैं पहले साल यहाँ पे आया था तो नंबर 1 पे था, मैंने ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। और ये अपने नितेश सर का बायोलॉजी वाला ब्रेवरी गार्ड, ये एक ये है और एक ये वाला है इंस्टीट्यूट नारायण इंस्टीट्यूट। भाई इंस्टीट्यूट की कमी नहीं है यहाँ पे, ओमेगा की बिल्डिंग काफ़ी अच्छी बनी हुई है। और एक है इम्पैक्ट, ये फाउंडेशन फ्रेशर रिपीटर, मतलब वही नीट की क्लासेस के लिए, नीट IIT सब है। ये पूरा पूरा कोचिंग मंडी का एरिया है, ये एक इम्पैक्ट है। और फिर ये है वेलोसिटी इंस्टीट्यूट, ये है संकल्प कैरियर इंस्टीट्यूट, तीनों लगातार एक साथ हैं आम आदमी पार्टी वाला। और ये है वेलोसिटी इंस्टीट्यूट, और ये डॉक्टर राधे इंस्टीट्यूट। फिर पड़ता है अपना न्यू स्पीड की बिल्डिंग, ये भी काफ़ी मस्त बिल्डिंग बनी है, अभी इस समय ये टॉप पे चल रही है नंबर 1 पे इस न्यू स्पीड। ये है अपना न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट कानपुर का, इस समय सबसे नंबर 1 पे है सन 2022, सन 2021 से सन 2022 में अभी नंबर 1 पे चल रहा है, इसके पहले ओमेगा था, अभी ये हो गया। ये काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट है और बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस इंस्टीट्यूट है ये वाला। ये अपना न्यू स्पीड, यहाँ पे मतलब कि अगर देखा जाए तो ये सारे इंस्टीट्यूट है जो छोटे 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 या बड़े बड़े हैं, और ये अपना न्यू स्पीड अलग है। और इधर है पाई, ये अपना पाई एजुकेशन जिसमें अरुण तोमर है, अरुण तोमर से हमने पढ़ लिया है, ये अभी केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे वहाँ पे ओमेगा में थे पहले साल। ये है पाई इंस्टीट्यूट, अभी इसके बारे में कुछ खास नहीं जानता क्योंकि मैं इसमें मैंने एडमिशन लिया नहीं है, और जो स्टूडेंट होंगे इसमें से मैं पता करूँगा। और अभी मैं जो खड़ा हूँ जहाँ पे, ये है बदनाम चाय, कानपुर में यही फेमस है चाय के लिए, शाम को लड़के लड़कियाँ या फिर मतलब पूरा देखा जाए तो यहीं पे आते हैं, ये बदनाम चाय है बहुत ज़्यादा फेमस है। इसका दो ऐसे हैं कि यहाँ पे है, मतलब कि ये है एक और कहीं पे खुला हुआ बदनाम चाय करके, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये क्या है वो, मतलब ये है प्रचार चल रहा है यहाँ पर, बाकी नथिंग बदनाम चाय दिखा। ये अपना पाई इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मतलब न्यू स्पीड के जस्ट बगल में ही है, और ये अपना है बदनाम चाय पाई के जस्ट सामने। भाई मतलब शाम की भीड़ देखोगे ना पागल हो जाओगे यहाँ की। ये वाली बिल्डिंग जो है बगल में, ये भी जो है
क्या कहते हैं मतलब नीट की क्लासेस के लिए, नीट IIT के लिए। कौन सा इंस्टीट्यूट है ये? नीट फिजिक्स एक्सपर्ट, नीट फिजिक्स एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट होगा। अभी हम खड़े हैं न्यू लाइट इंस्टीट्यूट, ये है अपना न्यू लाइट इंस्टीट्यूट जस्ट पीछे मेरे, दिखाते हैं आपको बैक कैमरा करके। ये है अपना न्यू लाइट की बिल्डिंग, जो कि अभी अगर कहा जाए तो ये सेकंड पे है, न्यू स्पीड फर्स्ट पे, न्यू लाइट सेकंड पे है, ओमेगा थर्ड पे है अगर ऐसे मेरे हिसाब से कहा जाए तो। और बाकी नथिंग। तो फाइनली सारे इंस्टीट्यूट मतलब देख ही लिए इधर, मतलब जितने थे मतलब ग्रुप वाले वो हमने देख लिया है, जितने ग्रुप वाले थे मतलब कि जैसे कि न्यू लाइट, न्यू स्पीड, ओमेगा और वगैरह वगैरह जो भी एक्सपर्ट वगैरह थे सब मैंने देख लिया। हाँ, अगर आप यहाँ पे इंडिविजुअल ज्वाइन करना चाहते हैं मतलब कि अगर कहा जाए तो अगर एक इस मतलब फिजिक्स यहाँ से पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री वहाँ से पढ़ना चाहते हैं, बायो अलग इंस्टीट्यूट से पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे किसी भी इंस्टीट्यूट से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ग्रुप में पढ़ना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इंडिविजुअल क्लासेस के लिए बहुत सारे टीचर हैं यहाँ पे, के सिंह हैं केमिस्ट्री के, फिजिक्स के हैं, मतलब काफ़ी ढेर सारे हैं, किसी को कुछ कहना नहीं है, मतलब काफ़ी ढेर सारे यहाँ पे टीचर्स हैं, आरवी सर हैं फिजिक्स के। तो कुछ कहने हॉस्टल की कमी नहीं है यहाँ पे, कोई भी ऐसा बिल्डिंग नहीं होगा जिसके बिल्डिंग में हॉस्टल ना हो, बॉयज़ गर्ल्स हॉस्टल हर जगह मिल जाएंगे आपको, हॉस्टल की दिक्कत तो है नहीं। और इंस्टीट्यूट में आप कहीं भी कोई ज्वाइन कर सकते हैं, न्यू लाइट, न्यू स्पीड और हम बात करें तो ओमेगा, इन तीनों की जो फीस रेट होगी वो थोड़ी सी हाई है, बाकी सब नॉर्मल है। आपको अगर आप रिपीटर बता के ज्वाइन करते हैं तो आसानी से करते हैं, अगर आप फ्रेशर बताते हैं कि मैं प्लस ट्वेल्थ के बाद अभी पहली बार कानपुर आया हूँ तो बहुत ज़्यादा लूटेंगे, तो फीस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे, 60-70 हज़ार बता रहे हैं। लेकिन आप बताते हो रिपीटर हूँ मैं, 2-3 साल नहीं कर रहा हूँ, तो आपको आसानी से सस्ते में मतलब 10-15 हज़ार में ज्वाइन करा लेंगे। तो फिर चलते दोस्त के रूम पर, फिर मिलते हैं आपके दोस्त के रूम पर, तो अपने दोस्त के रूम पर चलते हैं, वहीं मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टाटा। सो फाइनली जो दोस्त के रूम पे पहुंच चुके हैं, और अभी सामने वो भी एक स्कूल है, वो एक सामने स्कूल है, वहाँ पे भी वोटिंग चल रही है। और भाई इतना ऊपर चढ़ने में हालत ख़राब हुई थी, 5 फ्लोर। और फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे पीछे का बैकग्राउंड, ये पूरा एरिया है जो भी इन लोग का एरिया होगा, काकातीव एरिया तो नहीं है, शायद हो सकता है मुझे नहीं पता, पर काकातीव मेन वही कहला था, कोचिंग मंडी का एरिया ही, वही चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, मतलब घर ही घर है चारों तरफ, क्योंकि ऊंची बिल्डिंग है तो सब कुछ इतना आसानी दिख जाता है। आपको दिखाते हैं जहाँ पे वोटिंग हो रही है, तो वहाँ पे वोटिंग हो रही है, CRPF लगी हुई है, वोटिंग चालू हो गई है, भागा दूँगा। एक स्कूल है लो, आज जहाँ पे जितने भी स्कूल होंगे सब में होंगे छोटे छोटे करके, ताकि भीड़ ना लग पाए एक स्कूल में और आसानी से वोटिंग भी कंप्लीट हो जाए, बूथ कैप्चरिंग ना होने पाए। ये पूरा एरिया बीजेपी। ये लोग सारे अभी तक सो रहे हैं, मैं जगाने आया हूँ, दरवाज़ा खड़ा है पर खोला नहीं, मुझे पता, अभी लात घुसा मारना पड़ेगा दरवाजे पर जाके ये लोग खोलेंगे। शुरू करते हैं लात घुसा, पर वैसे धूप बहुत अच्छी है। यहाँ पर लग रहा है ये वाला काम चल रहा है, अभी खुद मिलते हैं।